अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब फ्रेंड तमाम व्यूअर्स खरीद से होंगे। आज हम आपके लिए लेके हैं मंडा कुली लिपा, आज़ाद कश्मीर में है मंडा कुली बेला। बहुत ही मशहूर जगह है ये और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये पूरा खुला मैदान है जहाँ पर अक्सर क्रिकेट भी खेला जाता है, टूर्नामेंट भी होते हैं। यहाँ पर मेला भी लगता है मंडा कुली बेला में। बहुत ही खूबसूरत जगह है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है ये मंडा कुली बेला। यहाँ पर अक्सर टूर्नामेंट भी होते हैं, मेला भी लगता है वादी लिपा का। और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं चढ़ने की तरफ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसके रास्ते भी, अभी यहाँ पर रोड थोड़ी बहुत पक्की नहीं बनी, कच्ची है, मगर फिर भी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, मेहरान आ जाती है। ये आप देख सकते हैं गुड़ी वगैरह कोई भी गाड़ी मतलब इजीली यहाँ आ जाती है। बाकी है कि चढ़निया तक रोडें पुख्ता हो चुकी हैं। ये भी मंडकुली जाना एरिया गाँव बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाँव है। ये चारों तरफ जाना पहाड़ों से घिरा हुआ और अलहमदिल्ला सरसब्ज जगह दरख्तों से, बीच में इसकी नदी बहती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का भी, इसका मंडकुली का भी, और बहुत ही जाना आला जगह है। और हम मिसाल पर चढ़िया जा रहे हैं बाइक पे। ये हम पहुंच गए हैं भाईजान चढ़िया पार्क की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता पार्क की तरफ जाता है, चढ़िया पार्क की तरफ, जो चढ़िया बाज़ार से तकरीबन 1-2 मिनट की मिसाल पर वो सामने नज़र आ रहा होगा आपका पार्क। यहाँ पर जो है ना पार्क है बनाई हुई है, ये बहुत ही खूबसूरत है। साथ इसके जो दरिया बह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ना जगह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एरिया है ये भी, और बहुत मशहूर जगह ये भी। यहाँ पर ठंडे बहुत ज़्यादा पानी ठंडा होता है जून जुलाई में भी। और इस तरह जाना अगर सुबह सुबह बंदा उठे तो इस जगह पानी से मतलब मुँह नहीं धो सकता, इतना ठंडा पानी होता है वादी लिपा का। चश्मों का ज़्यादातर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है गर्मियों में। और हैरत की बात यह है माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत के गर्मियों में जो है ना ये ठंडा होता है चश्मों का पानी, और सर्दियों में गर्म होता है। आप सर्दियों में बर्फ़ों में भी इजीली इन चश्मों के पानी से अपने मुंह धो सकते हैं। मतलब है कि नीम गर्म पानी होता है यहाँ गर्मियों में, सर्दियों में चश्मों का, और गर्मियों में बिल्कुल ठंडा पानी होता है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चश्मे, हर 10-15 मिनट के कदम पर, हर 50 कदम पर आपको एक चश्मा मिलेगा, जो पानी बहुत साफ और शफाफ पानी। या पाइपलाइन भी देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों ने पाइपलाइन बिछा के चश्मों का पानी घरों तक सप्लाई किया होता है। एक कुदरती जाना शफाफ पानी है।